यहाँ के? अच्छा था, मस्त पैसा वसूल। हाँ पैसा वसूल था। पीयू तुम्हारा? अच्छा लगा, लेकिन टैनिंग भी हो गई। मैं तो मैंने सारी साइड एंजॉय की, मैंने एक दो नहीं एंजॉय कर पाई, दो तीन क्या, मैं इधर उधर में एंजॉय ही नहीं कर पाई। चार स्लाइड बच गई हैं, बड़ी वाली, बड़ी बड़ी जितनी थी। एक तो बड़ी अभी हम देखे आते टाइम की, वो हम लोग किए ही नहीं जब हम वहाँ जमा कर रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ। तब वहाँ पे देखो जो पानी गिरा था ऊपर से, वो वाली नहीं करे, वो मैंने की थी। तुम की हो? तो गाइज इतना सारा वीडियो आप लोगों ने पहले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग गए वाटर पार्क, वहाँ पे मतलब एंजॉय किए और इसके बाद खाना वगैरह खा के कपड़े वगैरह चेंज करके हम लोग निकलने के घर के लिए। तो यहाँ पे अभी आटो बाय कर रही हूँ और घर पे निकलते निकलते ना तभी तक भैया का फोन आ गया कि कहाँ से हम लोग बताए यहाँ तेरे, वो बुलाए मेरे ऑफिस आ जाओ। बाय बाय बाबू, जाओ जल्दी से, अभी टाइम था मतलब बहुत ज़्यादा, तो ऑफिस चलो बैठो 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 लेट था। तो अभी हम लोग जाते जाते कहीं रास्ते में रुकेंगे थोड़ा सा, बच्चे वहाँ घूमेंगे टहलेंगे, आप अभी थोड़ा खेलेगी। तो अभी यहाँ से तो निकल लिए हम लोग, इधर देखो काफ़ी अच्छा लगा और मतलब आज का दिन तो बहुत अच्छा था हम लोगों के लिए, इतना सारा इंजॉय किया। और अभी बाय करके हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ से ना आगरा का दूध एकदम ख़त्म हो गया था, ख़त्म जब फट गया था तो इसके लिए हम लोग घूम दौड़ मतलब इधर उधर कर रहे थे कि यहाँ कहीं मिल जाए कहीं मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा था। और उसको भूख लगी थी तो उसको तब तक के लिए हम लोग बिस्किट वगैरह खिलाए। और इसके बाद आ गए यहाँ पे हम जनेश्वर पार्क। जनेश्वर पार्क में ये भैया जो है बहुत अच्छे भैया हैं, मतलब जो ये शॉपिंग है प्याज के पहले कुछ पानी भी हमने किए, फिर भैया से पूछे भैया कहीं हमें दूध मिल जाएगा, तो भैया बोले दूध तो नहीं मिल जाएगा। तो फिर भैया पूछे क्या करना है, तो मैंने कहा बच्चे को हाँ बच्चे को देना है तो मैं दूध दे दूँगा, वो चाय बनाते हैं क्योंकि, तो यहाँ वो दूध मतलब गर्म करे इसके बाद ठंडा कर रहे हैं। और यहाँ पे मतलब इनको बहुत बहुत थैंक यू भैया कि इतना मेहनत करे आप वगैरह पर। तो हम लोग बोले उसको पैसा बता दूँ देने लगे, तो भैया बोले नहीं नहीं पैसा नहीं देना, बच्चे के लिए दूध के लिए हम पैसा नहीं लेंगे। तो देखिए कहीं बहुत इंसान ऐसे होते हैं कहीं कहीं कि हाँ अभी समझते हैं, और कई लोग होते हैं तो होता है भी है दूध तब भी नहीं देंगे। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसके बाद यहाँ से आगे के लिए मिल गया है दूध, तो अभी उसको लेके आएंगे और पार्क में बैठ के पिलाएंगे। अभी वो बिस्किट खाई हुई है और इसके बाद अंदर आ गई यहाँ पे ना जनेश्वर पार्क में। मैं अभी तीसरी बार आई हूँ, एक दो बार आ चुकी हूँ, तो यहाँ आगे ले आई हूँ बबल्स। अभी आगे और ये सब खेलेंगे बच्चे लोग बैठ के, और हम थोड़ा सा घूमेंगे टहलेंगे रील्स बनाएंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी सीन थी, तो अभी सब लोग आ गए हैं अंदर। और तब तक के लिए जब तक हम लोग यहाँ पे घूमेंगे टहलेंगे, भैया का भी टाइम हो जाएगा तो उनको लेके हम लोग निकल जाएंगे घर की तरफ। और आज ना यहाँ पे भीड़ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमेशा ऐसे रहता है, भीड़ यहाँ पे नहीं रहती है, आराम से घूमो टहलो। देखो उसमें तेल भरने गए हैं अभी चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं बताऊँ मैं पहली बार कब गई थी, मेरी शादी दिसंबर में थी, मैं जनवरी में 25 जनवरी को मैं यहाँ पे आई थी लखनऊ, और इसी पार्क में आई थी। तो अभी याद आ रहा है ना फाउंटेन वगैरह जहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह हैं मेरे पास। तो और इसके बाद एक बार और गई और अभी और आई हूँ यहाँ पे, मतलब सीन अच्छी अच्छी लगती है, अच्छा लगता है स्पेस, बच्चे खेलते हैं आराम से। तो यहाँ पर अभी हो रही है फ़ोटो शूट हम लोगों की, और हो भी चुकी, उठ के चल दिए अभी हम लोग। और यहाँ भी हमको चढ़ा रहे थे कि कहाँ जा रही हो हीरोइन हीरोइन करके। तो हीरोइन हीरोइन कौन सी एक्ट्रेस हो? हीरो जो है मेरा साथ नहीं देता, हीरो मेरे साथ नहीं। कहाँ आई हो कहाँ? ये 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 बाबू आओ दौड़ के आओ, दौड़ो 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 रुक जाओ।
एक मिनट हटा लू आओ जल्दी जल्दी आओ तो गाइज अब आज हम अभी आए हुए हैं जनेश्वर मिस पार्क लखनऊ और वो रहे जनेश्वर जी समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता न्यू रखने वाले और मेरी बिटिया यहाँ कार्टून गिरी कर रही है ये देखिए और इनके भैया भी ये देखिए क्या कर रही हो ए ये देखो 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 अभी कैसे कलाकारी कर रही है ए ये देखो और ये देखिए शाम के टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है अभी यहाँ शो भी चलने वाला है नीचे पानी भरा गया है क्या यहाँ पानी नीचे भरा गया है ना तो वो आता है और ये देखिए शो फाउंटेन देखिए चल रहा है ऐसे शाम के टाइम चला करता है यहाँ इतनी टाइम मौसम तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग आए थे वाटर पार्क वहाँ से टाइम बचा तो यहाँ पे घूमने आए। मेरी बेटी तो घर जाने का नाम ही नहीं ले रही है अपना अलगे वहाँ पर बहुत बड़ा है इस वजह से घूम रही है एकदम आओ अच्छा काश अगर हम लोग का घर भी ऐसा होता तगड़ा वाला वो फाउंटेन है ना यहाँ तक पूरा वो आ रहा है ना जिसके छींटे ठंडा ठंडा मस्त पानी की मिस्ट आ रही है मस्ती विद फन। तो अभी हम लोग घूम टहल लिए बहुत ज्यादा थकान हो गई है सबसे ज्यादा कौन थक गया है यशी लेकिन कचरा हमेशा डस्टबिन में डालने चाहिए अच्छा लेकिन कचरा हमेशा अभी ना डालो कहीं पानी वानी मिलेगा ले लिया डस्टबिन नहीं पानी तो भैया अभी लग गई है प्यास बहुत जोर वाली लेकिन हमें तो और हम लोग चल रहे हैं भैया के ऑफिस भैया वहाँ पे बुलाए हैं तो इसी प्लेन से चलेंगे ना हाँ अभी देखिए हम लोग फ्यूल भर जाए तेल में ट्रेन जा रही है बताए क्या खाओ है दिन भर में 5 बार खाओ तो यहाँ पे ना अभी तक मैं अपनी जूती उतार के चल रही थी क्यों सब लोग पहने थे मुझे घास पे चलने का मन था और बहुत अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा लग रहा था और यहाँ पे मैंने पहन लिया है और फिर कुछ हो रही है फ़ोटोशूट इसके बाद हम लोग निकल लेंगे और बहुत ज़्यादा इसके बाद भैया ना भैया के पास गए हम लोग मिल गए तो उसके बाद मैंने कहीं नहीं वीडियो कोई नहीं शूट किया बिकॉज इतनी थकान थी ना कि बस गाड़ी में सोते आए हैं और यहाँ पे बाहर भी इस टाइम फाउंटेन और कुछ देर अगर हम और रुकते ना तो जनेश्वर मिस पार्क में मतलब यहाँ पे फाउंटेन शो चलता है बाहर तो बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पे तो ये ऐसे चल रहा था और इसके बाद ना जब मैं थोड़ी सी आगे की बात बता देती हूँ वीडियो तो नहीं बना रही थी जब भैया के पास पहुँची ना तब तक फिर से आव्या को भूख लग गई उसको उसका उतना दूध फिनिश हो गया तो भैया जहाँ पे मतलब हम लोग को मिले तो भैया को पता था कि यहाँ पे दूध मिल जाता है तब भैया इसकी बॉटल लेके गए वहाँ से दूध लिए
और यहाँ पे ये देखिए जो शो चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज की ये स्टोरी रही हम लोगों की। और सबसे बड़ी दिक्कत होती ना, मैं दूध लेके गई थी लेकिन इसका दूध सारा ख़राब हो गया था बहुत देर तक रखने से उसमें बॉटल में। लेकिन अब मुझे लेना है, आप लोग सजेस्ट करिएगा कि अगर मतलब बच्चे वाले जो हैं सजेस्ट करिएगा कि कैसी बॉटल में, अगर बहुत देर के लिए जाते हैं तो आप कैसे बॉटल में दूध लेके जाते हैं जो बच्चे का ख़राब ना हो। मैं अभी लेके आई हूँ लेकिन वो बॉटल सक्सेस नहीं है मेरे लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।